Hey guys, welcome back to my channel. This is Mayur Jadhav. So guys, in this video I'm going to show you how you can recover your permanently deleted files from your computer. I did it for myself. मेरे साथ भी ऐसा हुआ था guys. मैंने almost 200 GB का data है वो delete कर दिया था गलती से. So I'm going to show you how I successfully managed to recover almost 99% of that data. तो यही मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में. तो वीडियो को पूरा देखिएगा. थोड़े थोड़े बीच बीच में मैं टिप्स बताता रहूँगा आपको, ताकि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा आपका डेटा है वो रिकवर कर सकोगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड एन एप्लीकेशन कॉल्ड रिकुआ. Let me show you Recuva. I will provide the link in the description. You can download it from there. So keep in mind guys, you will have to perform these steps immediately after you lose your data. मतलब आप देर नहीं कर सकते. अगर आप देर करते हो ये steps perform करने में, then you will decrease the chances of recovering the files. तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 5 videos है. Let me delete these videos. Permanently delete कर दिया है मैंने अभी इस इन videos को. अभी आपको Recuva application open करना है. Next, then here you will have to select the file type. In this case we have deleted videos, so we will going to select the videos. Hit next, and then here you will have to select the specific location from which you have deleted the files. Means यहाँ पे आपको वो वाला folder select जहाँ से हमने videos को delete किया है. So यहाँ पे हम select करेंगे जिस folder से मैंने delete की, वो वाला folder मैं यहाँ पे select करूँगा recovery example. तो अभी ये folder में जो भी files मैंने अभी तक delete की है वो सारे files आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. हिट नेक्स्ट. डीप स्कैन आपको एनेबल करना है एंड स्टार्ट करना है. सो इट विल स्कैन ऑल दोज फाइल्स विच वी हैव डिलीटेड फ्रॉम दिस फोल्डर. देन गाइज आपके सामने ऐसे फोल्डर्स दिखाई देंगे. तो यहाँ पे गाइज ध्यान में ये रखना है कि जो भी फाइल्स आपके 80 MB के ऊपर है वो शायद आपको यहाँ पे रेड दिखाई देंगे. मतलब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, आप ग्रीन शो कर रहे हैं सभी फाइल्स. मतलब ऑल दिस फाइल्स आर 100% रिकवरेबल. अगर आपको यहाँ पे कुछ फाइल्स येलो या फिर रेड में दिखाई दे रहे हैं तो वो फाइल्स भी आपको रिकवर करने हैं. पर हो सकता है वो फाइल्स आप ओपन ना कर पाओ अपने पीसी में, लेकिन कोई बात नहीं. उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है हाउ टू रिकवर करप्टेड फाइल्स. तो वो वाले वीडियो आप जाके देख सकते हैं. अभी हमें सभी वीडियोज़ को सिलेक्ट करना है और रिकवर करना है. और रिकवरी के लिए आपको टारगेट फोल्डर सिलेक्ट करना है. ओके एंड यस. तो आप देख सकते हैं अभी जो रिकवरी फोल्डर में मैंने ये सारे वीडियोस है वो हमने 100% रिकवर कर दिए हैं. आप देख सकते हो सारे वीडियोस प्ले हो रहे हैं. तो ध्यान में ये रखना है गाइज कि जब भी आप ऐसा कोई हादसा आपके साथ होता है तो जल्दी से आपको एक्शन लेनी है. मतलब आप अगर आप देरी करते हो तो शायद आप अपना डेटा है वो रिकवर ना कर पाए. और अगर आपने डेटा रिकवर किया है पर वो प्ले नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने वीडियो बनाई है, तो वो वाले वीडियो आप जाके देख सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ यू डू देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. थैंक यू सो मच.